नहीं मिल रहा बिजली कर्मचारियों को कई महीने से वेतन। बिजली विभाग के कर्मचारियों को कई महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने आज सिटी पावर हाउस के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। जब बिजली विभाग के SDO से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि बिजली विभाग का ठेका दिल्ली की बेसिल कंपनी के पास है, जो कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। पहले इसका टेंडर लोकल ठेकेदार को दिया जाता था तो दबाव बनाकर कर्मचारियों को वेतन दिलवा दिया जाता था, लेकिन अब कंपनी के ठेकेदार दिल्ली में बैठे हैं, तो वेतन दिलवाने में दिक्कत आ रही है। विभागीय कार्यवाही कर दीगा पी है। ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बेसिक, उसका मल्यांचल से हुआ टेंडर, ठीक है। उनका काम है स्टाफ को प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और विभाग MB करता है, बेसिक जो कंपनी है उसको पैसा ट्रांसफर कर देता है। जिम्मेदारी बेसिक कंपनी की समय से इनको स्टाफ को सैलरी देने का, लेकिन वो दे नहीं पा रही है, ठीक है। ये मामला बेसिक और उनके बीच का है, विभाग ने अपना काम कर दिया है।